पहन में रहा करता था। शेख था हुजूर, वक्त हो गया है। वो गांव वालों से लगान वसूल करता था, बहन भी बुलाया करता था। क्योंकि खूबसूरती दिल में आती, बदसूरती मध्यम बढ़ने लगी। जादू बनी समझ गई थी कि शहजादे के दिल में प्यार तो है, सजा के तौर पर उसने शहजादे को एक बदसूरत जबरदस्त जादू कर दिया। शहजादे और उनके मुलाजिमों को याद करने वाला कोई नहीं रहा। जो गुलाब उसने पेश किया था वो एक जादुई गुलाब था। बदले में कोई उसे भी प्यार करे तो उन पे किए गए जादू का असर बनकर रह जाएगा। साल बीतते गए और मायूसी बढ़ती गई। जिसमें है ब्रेड और पराठा के। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, आपने दोबारा कुछ कर दिया। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस लाइब्रेरी जा रही हूँ। कहाँ गई? माधव ने चली के दो शहरों में, लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे आपके पास इस लाइब्रेरी की वजह से मेरी छोटी दुनिया बड़ी हो जाती है। या है मेरी होने वाली पीढ़ी को बेलगाम और तुम अनोखे लोग हैं जानता। हाँ, लेकिन जंग के बाद से लगता है जैसे जिंदगी मेरे नहीं उसके लफ्ज़ जब से है देखा मैं जो है मेरे टक्कर में मैं हूँ उसके चक्कर में। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम अच्छी वैसे मुझे किताबें बंद ही अच्छी लगती है। बिजी हो? नहीं। शिकार उसी का करना चाहिए जो आसानी से हाथ में लगे। लड़की को कहते क्या है? शरीफ, ये शराफत ही तो मुझे बदमाश। मुझे जरा वो देना, और मुझे वो भी चाहिए था। नहीं नहीं, ये नहीं। पापा, क्या मैं अतरंगी हूँ? अतरंगी लोग कहते हैं। ये एक छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ के। जब मैं पेरिस में था मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसकी सोच तुम्हारी चढ़ाते थे।
पर उस दिन सुधर गए जब खुद को उसकी ही तरह सोचते। मामा के तुम्हारी माँ बिल्कुल निडर थी। तो तुम्हारे लिए बाजार से क्या लेके आऊं? एक तो इस साथ भी लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। रास्ता पता है, कल सुबह मिलते हैं। बेशक कल मिलेंगे। संभाल के जाइए। एक और लड़की को पढ़ना सिखा रही हो? इतना अच्छा दिखने का तुम्हें कोई हक नहीं पता। अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आऊं। क्या बात है लफ़ो? एक लड़की पर आफत आ गई, तुम बस अपना जलवा दिखा। तेरे भी पीछे पड़ा रहता था मैं, आज तुम्हें इन गांव वालों की हकीकत पता। मैं तो बस एक बच्ची को पढ़ना सिखा रही थी। तुम अगर अच्छी परवरिश बनने के लिए तैयार नहीं, शायद तुम सही बंदे से नहीं मिली हो। छोटा सा कुछ लोग बदल गए हैं। गैस्टन, हम कभी एक दूसरे को खुश नहीं। क्या तुम जानती हो पिता के मरने के बाद कुमारियों की क्या हालत? तो हमारी दुनिया है बहन, इसके दायरे के बाहर सोचना बहुत बड़ी। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी गैस्टन। इसे क्या लगा कि मैं नंबर टू की मिसेस कैस्ट्रॉन? ना बाबा ना बेहतर जिंदगी। चाहू मैं से या उड़े दिल की तार। रास्ता बंद तो दूसरा वो भी झूम में। संभल के चलना। शिकार ढूंढना पड़ेगा। देखो, मैं यहां के मालिक को हमारे आने की थैंक यू। हेलो, एक मुसाफिर हूं, तूफान से बचने के लिए आसरा चाहिए था। ये जगह पे रास्ता भटक गया होगा। चुप रहो, बेवकूफ कहीं के। कमाल की कारीगरी है। लाजवाब हूं, वो मेरी तारीफ कर रहा था। मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैं वहां आग के पास। अच्छा, ओ मम्मी ने हिलने से मना किया था क्योंकि कोई भी डर सकता है ना। मैं डरा नहीं, आपकी मेहमान नवाजी का और
वो तो मुझे भी दिख रहा है। ये किसने कहा? वहां कौन है? तुम यहां कैसे आ गए? आपके हाथ तो ठंडे पड़ गए। चलिए घर चलते हैं। यहां से भाग जाओ। किसकी नजर? कौन है? कौन? तुम्हारा बाप एक चोर है। ये चोर है? सजा उम्र कैद है। लगता है यहां एक के लिए उम्र कैद। देखो लाभ, मैं भी अपने पिता की जगह लेना चाहूंगी। अपनी शक्ल नहीं खो सकता। तुम जाओ, जाओ। इनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। उम्र कैद की सजा कम नहीं हो जाएगी। एक बार ये दरवाजा बंद हुआ तो तुम आगे। आपके साथ होते तो यही सब ना होता। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात और मुझे भूल जाओ। आपको भूल जाओ? पर मैं जो भी, I love you too, पापा। मैं नहीं डरूंगा। क्या? ये बेवकूफ है और तुम भी हो। तकलीफ के लिए माफी मांगता हूं। हमारे साथ आइए और अपने कमरे में। एक बार ये दरवाजा बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। ओ, काफी ताकतवर है ये। तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोल सकता है। कैंची के वापस जेब में बंद कर दो। तुम जिंदगी भर क्या बने जाना चाहते हो? एक इंसान या क्रिकेट? हमारी शख्सियत से धोखा न खाना, हमसे घबरा। दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन हम आपकी खिदमत में हाजिर है। इसे अपना ही महल है ही नहीं। झूठ, वहाँ ऐसा क्या है? क्या यूँ कहें कि महल के इकलौते हिस्से की तरफ संभाल कर महल का बेहतरीन कमरा देना चाहते थे। धूल, मैं अभी सब कुछ चमका देती हूँ। के लिए तो शोरों पर से गुजर जाऊं। नहीं मेरी जान, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ। क्या यहाँ सब? वो तो हेयर ब्रश ही है। मदाम दिगाद्रोप से कमाल का गाती है। पर तभी जो खराटों से लेने से पहले एक फरमाइश है, मेहरबानी करके इन्हें तैयार कर दो। शहरा रेशमी बाल, इसमें क्या रखा है? बहुत अच्छे, लगता है नया फैशन है। हम बस अब यह जरा सोचो लफू, हम मचा रहे हैं और मेरी बीवी मेरे थके पैर दबा रही है। माँ है शिकार, कभी खरगोश के पीछे नहीं दौड़ता। सर बनना चाहे तुम जैसा गेस्टो, तुम सबके दिल पे करो राज। ये सरकार जीरो गेस्टो, तुमसे पंगा जो ले उसको जीरो। तुम भी बोलो ना टॉमिक और स्नैप। Thank you, Lafu. Jo kehto to aur thodi si ta. Isko na do jis pe main apna nishana, na phir thikana. Piche se karta vaar. Mere kudne mein bhi kya kam hai kaisto? Kya baat hai kaisto? Itna tab kara, aur ab main khata hoon.
G-A-S अरे भैया मुझे तो स्पेलिंग आती नहीं तो क्यों कर रहा तुम पे आज तक कोई लड़की फिदा क्यों नहीं हुई वो कहती उन्हें चमचे बचाओ प्लीज प्लीज कोई भी उसे तहखाने में बंद कर दिया ऐसा किसने किया एक 20 बेटी की जान खतरे में और तुम हंस रहे हो मैं मजाक नहीं कर रहा जंगल से जून में बर्फ पागल हो गए हो क्या मरीज मैंने खुद देखा है सच में बस इस बेचारे की खिल्ली उड़ाओ कहां है वो दरिंदा आओ मैं आपको बता दूं कि महल के पूर्वी हिस्से में कमरा भी दिया जा रहा है तुमने उसे कमरा भी दे दिया इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कमाल के दर्जे क्या वैसे भी हम रोज बेजान होते जा रहे हैं वो लड़की एक मामूली चोर चक्के सोचे उसने अपने पिता और आजादी दोनों को एक साथ खोया है जी हाँ प्यार से बात कीजिए ना नरमी से रजा के खुशी खुशी ओह मर जाए आओगी पहले अब तो खैर नहीं मर रहे क्या वक्त हुआ है क्या हो रहा है अगर जी मेरे साथ खाना भी खाती इससे बात किया कीजिए चलिए हंसी नहीं आई आवाज जो निकल गई मुझे वो लड़की दिखाओ एक और पंखुड़ी गिरी हम खुद दिन ब दिन लोहा बनते जा रहे हैं ओह नो हमारे पास अब भी वक्त है मम्मा मैं वापस लेकर आऊंगी मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी गुस्सा मत हो शोना बहुत अच्छा लगा मेरा मानना है एक कप चाय के बाद हर मुश्किल आसान लगे तुमने अपने पिता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है शिवना वो कभी अकेले नहीं रहे दिल छोटा मत करो पर उसने कहा था साथ खाती है तो ठीक है वरना भूखी तड़पती रहे वो आ रही है सारे इंतजाम नहीं लगेगा तो भी जरूर लगवाऊंगा और तुमने देखा उसने कितनी हिम्मत से मुझे बात की ये साफ नहीं वो उन्हें प्यार करे कोई नहीं सकता और आप घड़ी भी दिल्ली को हम खाते पीते रहे फिर भी इसके जायके को महसूस कर सकते शोर से हमें याद आया कि वो दावत थी क्या जिसमें मौसी थी ना और शीशे में पियानो नहीं बचाया है अब तो शायद मैं एक और दांत गिरा मास्टर आप यहाँ है और आपके लिए मेरी बीवी के लिए दांत तो क्या दांत ही बर्बाद मास्टर आपकी बेइज्जती करने के लिए क्या और कोई बेतुकी फरमाइश है नहीं महफिल किसी के नाम से घर में जैसे सूरज निकला है शाम से इसको बढ़ाइए अब आपके सामने पेश खिदमत है ये मेहमान हो का हर अरमान ये शर्मान और बेगवाही घर खाली करे रोमांस इस रौनक से अपना रहिए जे क्यों आइए आइए मेहमान पकड़ो फिरियादी मचे दो भी मोहब्बत रहे भी सब चेहरों पे रोमांस और इस जश्न का जीना है बेकार बेजान वो भी क्या खून है चाय आती तैयार
शहजादे जैसा दिल है जिसे फिर से ही रोती रहेंगी। तुम अब जाओ और थोड़ा आराम कर लो। गुड नाइट। सीधे अपने कमरे में जाना। नजदीक है। देखो हर बार की हर होती है, हमें लौट जाना चाहिए। रुको, तब बिजली गिरी थी और ये टूट के गिरा था। अब किसी ने जादू वगैरह किया होगा। तुम ऐसे खानदान में शादी करना चाहते हो? वो पक्का वो कहाँ है? दरिंदे ने उसे कैद कर लिया और वो वहां होते भेड़िए बीमारी और भूख मरी। गहरी सांस लो। गए देखिए, जंगल की सैर बहुत हुई, वापस गांव चलते हैं। मुझे यकीन है बेल ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। वो बेचारी तो उस तुमने दरिंदा कहा तो मैं तैयार करो लड़ाई धमाके बंदूकें और पुलिस करता है क्या? होने वाला ससुर तुम्हारा पता था। जब भेड़िया इसका काम तमाम कर देंगे तो बेल का मेरे अलावा कोई नहीं। हंसी खुशी नहीं, तुम्हारे हो या नहीं। भागती नहीं तो मैं जख्मी होता ही नहीं। अच्छा, अगर तुम मुझे डराते नहीं तो मैं कभी भागती ही नहीं। थैंक यू बेन, हम आपके एहसान मंद हैं। इसकी सजा तुम भी भुगत रहे हो, क्यों? तुम्हारा क्या दोष है? गुजरने के बाद इनके पिता इस मासूम को उन्हें सोने दो। कब आएगी वो रे सदा मेरे लिए मेरा लेकर नहीं भूलेंगे हम भूकर बेजान सामान कोने में पड़े हुए हैं। के खिलाफ कोई तो उपाय होगा। एक तरीका है, अगर वो
मुझे ढूंढते ढूंढते बड़ी जबरदस्त तालीम मिली है मुझे, हमारी शक्ल से ही दिखता है। क्या कहा? मुझे तो जैसे क्या? आओ, तुम ठीक तो हो? ये कमाल की जगह है। वैसे तुम्हें इतनी पसंद, तुम यहाँ रखी सारी किताबें पढ़ चुके, उतनी जितने सब पे बाल है। क्या ये मजाक था? लकीर में जो चाहो वो ना मिले तो समझ लो। जुदाई सहने की आपकी जुदा लिया यार ने जीने का वादा। जो उसकी खास पहले को नजर अंदाज किया था मैंने पहले जो था मेरा हाथ उसने छुपा के से है मुमकिन से दूर ले जा सकती है। सच में? ये उसकी दी सबसे सख्त सजा है। कोई जगह नहीं है मगर तुम जा सकती हो। मेरे बारे में सोचो जहां तुम जाना चाहती हो और उसे दिल से महसूस करो। दिखाई देता है और यहाँ तक कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तब गैस्टन तुमने मॉरिस को मारने की कोशिश आप सलामत है? पांच दिनों से मैं आपको मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग की हालत ठीक नहीं है पर मुझ पर कत्ल का संगीन इल्जाम एगथा से पूछ लो उसी ने मुझे कुछ गवाही मानेंगे बराबर माना सब इसके सामने हुआ मेरे सामने अरे हाँ
हमने क्या मैं तुम्हारे लंगोटिया? वैसे सवाल बड़ा ही पेचीदा है और जवाब बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तो फिर तो कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन आप अपने लिए और दूसरों के लिए आपके दिमाग का इलाज करना होगा। मैंने बॉल रूम में उसे देखा और कह दिया तुम्हारा मामलापन अच्छा नहीं है। नहीं हुजूर, आपने सही कहा। अरे बेवकूफी होगी, वो मुझे कभी मोहब्बत नहीं करेगी। हौसला रखिए मेरे, तुम क्या कोई अंतर्यामी हो? आपको कुछ कुछ होता है कि नहीं? लम्हा आ जाए तो उसका पता कैसे चलेगा? ये बिल की बात बैंक से कह दीजिए, और अगर आपने नहीं कहा तो इसे बिल्कुल ना करें। बालों को संवारिए, मैनिक्योर, और सोने पे सुहागा, उसूरे वाला। अब भी कुछ कमी है। ओह हाँ, खुल गई बाहें फिर कैसा ये तबीयत, समय बदल गए और चुन्ना पारूं भी जो ढले किया है। यह एहसास में भूल सा गया था, कि उसे एक दिन तुम्हारा प्यार नसीब होगा, खुशी से रह पाओगी। पापा मुझे नाचना सिखाते थे, आधे वक्त उनके पैरों पे ही नाचती थी, बहुत ज्यादा। उन्हें अभी देखना चाहूंगी, मुझे मेरे पापा को देखना है। वो क्यों कर रहे हैं? पापा मुसीबत में हैं। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, इसे अपने पास रखो। वैसे हुजूर, मैं खामखा घड़ी घड़ी शक कर रहा था, आपने तो कमाल। मैंने उसे जाने दिया। आपने ये क्या किया? मुझे जाने उससे प्यार हो गया है तो हम अब तक इंसान क्यों नहीं बने? क्योंकि उसे मैं उसे आजाद कर चुका हूँ, कुछ नहीं बदलेगा। ये जिंदगी थी खुशनुमा, और जिंदगी में एक कमी सी थी मेरी, कर गया है घर मेरा, वो कर गई मेरा ना मिटेगी, मुझे तो पाएगी अगर मेरे का है ये आनंद, उसके दूंगा मैं आज है प्यार से नफरत मुझे, उनके पंछी वो आसमां में उड़ गई, लौटाएंगी मेरी ख्वाहिश का ये आनंद, संगीतों का
एक हफ्ता भी टिक नहीं पाओगे अपनी बेटी का। ले जाओ इसे। खातिरदारी अच्छे से करेंगे। मेरे पापा पागल नहीं है। यस जॉन मत। ये सच है बेल। उनका मानना है कि वो सुनहरी को बचाने के लिए क्या सबूत है? तुम्हें सबूत चाहिए? जादू तो ना है। देखो इस तरीके। आप लोग डरो मत। वो दिल का बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि ये अब उस दरिंदे को पसंद करने लगी है। वो राक्षस। मैंने बस काले जादू के असर के बारे में सिर्फ सुना था लेकिन आज उसे अपनी आंखों से देख दरिंदे को आगाह कर देगी। बंद कर दो इसे। नहीं। गेस्ट ऑन ये तुम क्या कहते हैं? बंद कर दो। उस राक्षस को नहीं रोका तो वहां पर जादू कर देगा। जान खतरे में है और आपको आ जाएगा। तो चलो तुम साथ में मेरे और छाया है वो है अंधेरे से है गुजरना है यही तो हमें देनी है आज उसको सजा। उस दर्रे को राए कराए चाहे कुछ हो जाए हिम्मत भी बुझने ना देना तुम्हें पीछे इस घड़ी में तुम मेरी ही मानोगे करेंगे। महल दिखा। मैं तो हुजूर से प्यार नहीं करती ना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि उसने भी कहा था ना। बाप रे गांव वाले सब घर से खड़े हो जाओ और जम के मुझे उस दरिंदे को खबरदार करना होगा। वैसे तो उससे बच के कैसे जाए? मैं कुछ समझा नहीं। वो मुझे पेरिस ले गया। पता होगा कि मैंने उसे क्यों छोड़ा ताकि तुम्हें कुछ ना हो मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी से बढ़ बहुत खतरा है। हाँ बहुत है। ऐसा भी क्या मुश्किल है इसमें थोड़े गियर्स लंबे और नुकीली चीज चाहिए। माफ कीजिएगा हुजूर मैं आपको परेशान हो रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है जो कर तुम कर रहे। अभी इनका इलाज करता हूँ। इसकी दादी माँ है ना? दादी माँ कहा? माफ करना मेरे यार हीरो की रीति कहानी है।
जाने पहाड़ बयां नहीं कर सकता। क्या क्या